कि हम अपने आप को मरने के लिए, क्योंकि हमारे पास अब कुछ नहीं रहा, उन्होंने हमें पीछे से छुड़ा, इससे बेहतर है कि हम सोसाइटी करें, अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करें। और एक बार या मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहा हूं, आपके पास तो ब्रह्मोस मिसाइल है, मेक इन इंडिया मेड इन, वही हमारे घरों पर गिराइए, और उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। हम हैं NYC से, हम 12 साल से सफ़र कर रहे हैं, 12 साल के बाद कोई बोलता है हमें आप यहाँ से निकलो, इनको लगानी है नई नौकरी तो उनको लगाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं ये हमारे से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारी फैमिली को जहर दे दो तो जो करना है वो करो, उसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते इनको, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ चीटिंग की। जब हमारे यहाँ पर कोविड चल रहा था तब क्यों नहीं एलजी साहब ने बोला आप बाहर निकलो यहाँ से, तब क्यों नहीं इन्होंने बात उठाई, अब ये लोग बात कर रहे हैं, अब ये लोग हमें बोल रहे हैं आप निकलो यहाँ से, क्यों किस बात के लिए, 12 साल के बाद जब कोविड था तब क्यों नहीं एलजी साहब ने बोला आपकी ज़रूरत नहीं है हमें, तब तो नहीं बोला इन्होंने, तब इनका काम था ना, सरकारी मुलाजिम घर में बैठे थे और हम कर रहे थे ड्यूटी, हम हफ्ते के हफ्ते बढ़ा रहे थे ड्यूटी पे, तब तो नहीं बोला सरकार ने आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, तब क्यों नहीं सरकार ने ये बात उठाई, 6000 हम हैं, 6000 में से हम हमारे जो हमारी फैमिली उनको जहर दे दो अच्छा होगा अब इनके लिए, ये वहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, इनको बोलो ना हमें लिख के दे दो, ये लिख के नहीं दे रहे, इन्होंने हमारे से नाइंसाफी की है, 12 साल से नाइंसाफी की, 2500 में नौकरी हम कर रहे हैं, इनको पता है कुछ, वो एसजी साहब का एक घंटे का खर्चा है 2500 रुपये, इन्होंने हमें क्या दिया 2500 रुपये, और वो बात छोड़ो ये बोल रहे यहाँ से निकलो, किस बात पे निकलेंगे हम, तब क्यों नहीं बोला जब कोविड था पीक पर था, जब कोविड पीक पे था तब नहीं बोला इन्होंने आप निकलो, हम यहीं पे बैठेंगे, जितने मरते हैं तो मरने दो, लेकिन हम भी मानते नहीं हैं, हम जान देंगे इधर ही, ये भी देखेंगे कि हम जहर कैसे खाते हैं। और चाहता हूं कि जैसे कि सबको पता है कि 13 दिसंबर 2019 पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक लहर आ गई, कोविड लहर के दौरान हमारे बहुत सारे साथियों को कोविड ड्यूटी में लगा दिया गया, जिसके कारण हमारे दो साथी इस दुनिया से चले गए, एक दारा राजौरी का रहने वाला था, दूसरा सुरनकोट पुंछ का रहने, उनकी फैमिली की तरफ भी किसी ने नहीं देखा, उनके जो बच्चे इस वक्त भूत भीख मांगने पर तैयार है। आप मुझे बोलिए, अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रही है कि मैं यहाँ के नौजवानों के साथ हूँ, क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं नौजवानों के साथ हूँ? कल से आप लोगों ने कितना देखा यहाँ पे, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।